नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नो स्थित सिहारा की, जहां आगामी विधानसभा चुनावों के तहत चुनाव आयोग के निर्देश पर आमजन को पुलिस की कार्यशैली से अवगत कराने और निष्पक्ष रूप से मतदान करने के लिए एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह के नेतृत्व में क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया। थाना क्षेत्र की पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स ने क्षेत्र में पैदल गश्त किया, आमजन को आगामी विधानसभा चुनावों में निष्पक्ष रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित किया और साथ ही सभी से मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की भी अपील की। इस दौरान एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, विधानसभा चुनाव क्योंकि होने हैं और जनपद बिजनौर में दूसरे चरण में है, एक चुनाव के लिए निष्पक्ष माहौल बनाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। जनपद बिजनौर को भी 2 CPMF की कंपनी उपलब्ध कराई गई है, जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेष रूप से ये विश्वास पैदा करने के लिए लोगों में कि निष्पक्ष रूप से अपने मतदान का प्रयोग करें और अगर कोई बात कहीं भी किसी लेवल पर है तो तत्काल स्थानीय थाना प्रभारी को बताएं। इसके साथ साथ क्योंकि आचार संहिता भी जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था उसी दिन से लगी हुई है, उसे भी उस पर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इस अभियान के माध्यम से भी अगर कहीं उल्लंघन पाया जाएगा अब आचार संहिता का तो संबंधित के विरुद्ध जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। क्या देहात क्षेत्रों में भी पैदल मार्च किया जाएगा सर? बिल्कुल किया ही जा रहा है। कल पूरा परसों हम लोगों ने पूरा धामपुर में किया था, गाँव में भी गए थे, कल पूरा नेहटौर कस्बे में और करीब 15 गाँव में भी गए थे। आज भी कस्बे के बाद विभिन्न गाँव जो हैं वो आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो चुनावी रूप से संवेदनशील हैं, उन सभी जगह पूरा फोर्स जाएगा और वहाँ लोगों से संपर्क भी करेंगे और रूट मार्च भी करेंगे। कितनी कंपनी तैनात हुई, कितने जवान हैं सर आपके साथ? ये अब क्योंकि प्रोसेस शुरू हो गई है, अभी 2 कंपनी जनपद में आई हैं, इसके बाद और कंपनियाँ भी आएंगी। करीब 100 कंपनी के करीब उम्मीद है कि 100 कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्सेस जनपद बिजनौर में इलेक्शन कराने के लिए आएंगे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।